नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में आपकी यूनिट 3 चल रही है जिसका नाम है हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म। लास्ट क्लास में मैंने आपको हैमिल्टोनियन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया था। आइए आज के लेक्चर में हम फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे उसी हैमिल्टोनियन फंक्शन का। तो हेडिंग आप डालें फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसे हिंदी में भौतिक सार्थकता या भौतिक महत्ता कहते हैं, ठीक है जी, ऑफ हैमिल्टोनियन। जो हैमिल्टोनियन फंक्शन है ना, जिसे आप एच से डिनोट करते हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना है ना, उसकी भौतिक सार्थकता पढ़नी है कि उसका लाभ क्या है ना, और वो है क्या एक तरीके से। देखो, आप जानते हो क्या होता है, वी नो दैट हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन क्या होता है, तो इसे एच से डिनोट करते हैं और ये होता है सिग्मा जे बराबर 1 से लेकर एन तक, यहाँ पर क्यू जे डॉट और यहाँ पर पी जे, और माइनस में आता है एल, ठीक है। और एक बात आप जानते हो, एल बराबर होता है टी माइनस वी, लैग्रेंजियन है ना, तो रखो एल की वैल्यू सिग्मा जे बराबर 1 से एन क्यू जे डॉट पी जे माइनस, एल की जगह है टी माइनस वी, ठीक। तो एच बराबर हो जाएगा जे बराबर 1 से एन, देखो पी जे की जगह वो रखो, पी जे बराबर होता है एम जे मास इंटू वेलोसिटी इंटू क्यू जे डॉट, है ना, क्यू जे डॉट तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, तो क्यू जे डॉट और यहाँ हो जाएगा एम जे क्यू जे डॉट माइनस टी प्लस बी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, एच बराबर सिग्मा जे बराबर है 1 से लेकर एन तक, ये तो मैंने कल भी कराया था ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 1/2 कर दो, हाफ एम जे और ये क्यू जे डॉट का स्क्वायर और माइनस का टी प्लस बी, ये सारा क्या है, ये सारा है टी, साइड में बता दो, टी बराबर होता है सिग्मा जे बराबर है 1 से लेकर एन तक हाफ एम जे क्यू जे डॉट का स्क्वायर, ये क्या है टी, तो एच बराबर 2t माइनस टी प्लस बी, तो एच बराबर क्या बचेगा, 2t में से टी का टी प्लस बी, ठीक है, एच बराबर कितना बचा, टी प्लस बी, यानी टी क्या है काइनेटिक एनर्जी और वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हैमिल्टोनियन है ना वो किसे रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक लाइन लिख दियो आप, क्या लिखोगे, हैंस हैमिल्टोनियन ऑफ ए फंक्शन, वो ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम रिप्रेजेंट्स, ठीक है जी, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप ये बात जानते हैं, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, टोटल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, उस सिस्टम के टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है हैमिल्टोनियन, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है जी, तो H बराबर क्या होता है, टी प्लस बी, ठीक। और इसके बाद देखो, एक मैंने रिलेशन कराया था कल, आपको याद होगा, डेल H ओवर डेल T बराबर था माइनस का डेल L ओवर डेल T, ठीक है, इसके ऊपर लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं ये वाली चीज़ है ना, कि डेल H ओवर डेल T बराबर, ये हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन में रिलेशन का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यदि मैं एक बात कह के चलूँ कि इफ L इज इंडिपेंडेंट, यदि जो लैग्रेंजियन है ना वो इंडिपेंडेंट है ऑन टाइम पर, तो L का, L जो है T का फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है, तो L में T है ही नहीं, तो जब L का डिफरेंशियल करोगे पार्शियली T के रेस्पेक्ट में तो जीरो आएगा, ठीक है। सो यहाँ रख दो ये, तो डेल H ओवर डेल T
बराबर जीरो हो जाएगा, इसकी जगह जीरो रखोगे तो माइनस जीरो तो होता ही नहीं। तो देखो डेल एच ओवर डेल टी बराबर क्या है, जीरो। इसका मतलब है एच का डिफरेंशियल जीरो है, इसका मतलब एच क्या रहा होगा, कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट एच क्या है, कॉन्स्टेंट। और एच क्या होता है तो टी प्लस वी, तो एच बराबर होता है टी प्लस वी, और टी प्लस वी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी, और ये कैसी है, कॉन्स्टेंट। तो देखो जो ये है हैमिल्टोनियन, ये टी प्लस वी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है हैमिल्टोनियन क्या देता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। तो इसके नीचे एक लाइन लिख दी हूँ कि इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल सिग्निफिकेंस हैमिल्टोनियन का क्या है, कि हैमिल्टोनियन एक तो दोनों एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को उपलब्ध कराता है ना, यानी दोनों का सम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हैमिल्टोनियन के बराबर होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है वो हैमिल्टोनियन के बराबर होती है, ठीक है। और यदि एल ये लैग्रेंजियन टाइम पर डिपेंडेंट ना हो तो फिर जो हैमिल्टोनियन है वो कॉन्स्टेंट रहता है, टोटल एनर्जी या ऐसे कह दो कि टोटल एनर्जी किसी सिस्टम की कंजर्व रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व रहता है, बात सब कहने की एक ही बात है ना, ठीक है। तो ये इसकी भौतिक महत्ता है, भौतिक सार्थकता है, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो हैमिल्टन की इक्वेशन है, ठीक है। तो हेडिंग डालो जैसे लैग्रेंज की इक्वेशन थी ना, ऐसे ही हैमिल्टन की इक्वेशन है। तो हैमिल्टन्स इक्वेशंस, बल्कि हैमिल्टन की कैनोनिकल इक्वेशंस हैं, ठीक है जी। कैनोनिकल क्या है, अर्थ है बताएंगे आगे। तो हैमिल्टन्स कैनोनिकल को एक तरीके से आप करेस्पॉन्डिंग समझ सकते हो, ठीक है। जैसे क्यू जे डॉट होता है क्यू जे के करेस्पॉन्डिंग, तो क्यू जे के करेस्पॉन्डिंग क्यू जे डॉट होता है, यानी क्यू जे क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो उसके करेस्पॉन्डिंग, उसके कैनोनिकल जो जनरलाइज वेलोसिटी होगी वो क्यू जे डॉट होगी, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम होगा वो पी जे होगा, इस तरीके से, ठीक है। इसे कैनोनिकल कहते हैं, मैंने बताया भी था एक बार बीच में को, ये करेस्पॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो हैमिल्टन कर कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे कि लैग्रेंज की इक्वेशंस मोशन की पढ़ी है ना, ठीक है जी। तो आप जानते हैं हैमिल्टन फंक्शन क्या होता है, एच बराबर है ना, तो इसमें यही लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, है ना, क्या लिखो, मैं बोल रहा हूँ, वी नो दैट हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टोनियन बल्कि इज़ द फंक्शन ऑफ, आपको पता है एच क्या होता है, बताऊँगा क्या है, किसका फंक्शन है, ये रहता है क्यू जे और पी जे और यहाँ टी। तो लिखना इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू जे क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू जे, ठीक है, कोमा जनरलाइज मोमेंटा, मोमेंटम का प्लूरल, मोमेंटा पी जे एंड टाइम, ठीक है। क्या लिखोगे, वी नो दैट हैमिल्टोनियन इज़ द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू जे, जनरलाइज मोमेंटा पी जे एंड टाइम, ठीक है, दैट इज करके ऐसे लिख सकते हो, हैमिल्टोनियन इसका फंक्शन होता है, ठीक है जी। और यहाँ से देखो डी एच निकाल सकते हो आप, देखो ये चीज़ जो मैं आप यूज करने जा रहा हूँ ये मैंने पहले बता रखी है, और ये चीज़ तुम्हें पता भी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे आप, और ये मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। कैसे, मैं यही बता दूँ, है ना, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जैसे डी एच निकाल रहे हैं तो डेल एच ओवर डेल क्यू जे पहले, ठीक है, डेल एच ओवर डेल क्यू जे, और यहाँ आता है डी क्यू जे, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। दूसरे के लिए करो, प्लस डेल एच ओवर डेल पी जे, और यहाँ आता है डी पी जे, ठीक है, प्लस यहाँ देखो डेल एच ओवर डेल टी और इंटू में आएगा डी टी। देखो ये कैसे है, इसे आप इस तरीके से कह सकते हो, यदि ऐसे होता था तो डी एफ कैसे निकलता था, ये मैथमेटिकल फिजिक्स में था, ऐसे निकालते थे डेल एफ ओवर डेल एक्स, एल एक्स है ना, इंटू में डी एक्स, यहाँ डेल एक्स तो यहाँ डी एक्स, प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई और इंटू में डी वाई, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये यहाँ पे इसी के आधार पर मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से डी एच निकल गया है ना,
तो एक काम करो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, है ना। और एक चीज़ और जानते हो, हैमिल्टोनियन क्या होता है? तो देन हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम, किसी सिस्टम का हैमिल्टोनियन मैंने बताया एच बराबर है समीशन, जे बराबर है वन से एन तक है, और यहाँ क्यू जे डॉट होता है, यहाँ पी जे होता है, और माइनस का एल होता है, ठीक है। डी एच निकालो यहाँ से भी, जैसे यहाँ निकाला है ना, क्या आएगा भाई? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल कर रहे हो, तो डी एच का मतलब डिफरेंशियल, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है इसलिए अपोन में कुछ नहीं है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दूसरे के साथ आएगा डिफरेंशियल, डी पी जे हो जाएगा, ठीक है, प्लस है ना, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज सिग्मा तो लग के जाएगा, क्योंकि तो ब्रैकेट में भी करोगे तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज पी जे और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, समझ गए? ये एक ब्रैकेट में होता, सिग्मा बाहर रहता, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ती, तो इसलिए क्या किया, एक साथ ही कर लिया। और हाँ एक चीज़ देखो यहाँ रह गई, यहाँ मैं आपको बता दूँ, वेयर जो जे है ना वो वन से लेकर ऐसे करते करते बीच में जे और फिर कहाँ तक, एन तक, वन से लेकर एन तक है, बीच में कोई टर्म जनरल टर्म मैंने मान रखी है जे, तो पता है यहाँ पर ये जो है ना, ये जनरल टर्म मतलब ये जो आई है ना टर्म, ये अकेले के कारण नहीं है, जे के कारण, सब के कारण है, ठीक है। देखो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे देखो यहाँ ये वाली चीज़ यहाँ देख लो, फिर मैं बताऊँगा डायरेक्ट लिख के। H बराबर जैसे ये है ना H, क्यू जे है, पी जे है और T है, इसे आप ऐसे लिख सकते हो भाई, J बराबर 1 से N तक है, तो इसे आप ऐसे लिखते थे क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री और ऐसे करते करते बीच में क्यू जे आएगा और लास्ट में क्यू एन आएगा, ठीक है। ऐसे ये पी वन पी टू और ऐसे करते करते बीच में पी जे और लास्ट में क्यू एन और लास्ट में टी, टी तो अकेला ही है, समझ गए? तो इसमें यदि आप करते ना डी एच, तो आपको पता है कैसे करना पड़ता, तो आपको यही काम करना पड़ता, डेल एच ओवर डेल क्यू वन इंटू में डी क्यू वन, समझ गए? मैं करके दिखा दूँ, डेल एच ओवर डेल क्यू टू इंटू डी क्यू टू प्लस, ऐसे करते करते थ्री वाला छोड़ दो, चलो डेल एच ओवर डेल क्यू एन और इंटू में डी क्यू एन, समझ गए? ऐसे करना पड़ता, फिर P के लिए ऐसे करोगे और T वाला तो अकेला ही है, तो इसे पता आप कैसे लिखते हो, सिग्मा आई वन से लेके J कितना है N तक, और ये डेल H ओवर डेल क्यू जे और डी क्यू जे, समझे? तो इस सारा जो था ना इसे ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे ना जो इसका करा है ये आया है, तो सिग्मा भी लिख लो, है ना, समझ गए क्यों लिख रहे हैं सिग्मा? तो सिग्मा का औचित्य ये है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, क्योंकि ये पूरा है वन से लेकर एन तक, और जब उसका करोगे तो ऐसे ही आएगा, और फिर उसे शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जे बराबर वन से लेकर एन तक, ठीक है। ऐसे ही पी जे के लिए करोगे तो भी सिग्मा आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सिग्मा जे बराबर आपको पता ही है वन से लेकर एन तक है, ठीक है। और इसके साथ तो ये तो टी तो अकेला ही है, ठीक है, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है सिग्मा लगाने की, समझ गए सिग्मा क्यों लगाया है? तो मैंने कारण बता दिया आपको, ठीक है, मैंने समझा भी दिया, तो इधर से रफ कर देता हूँ, ये सब तो समझाने की बातें थी। और ये काम जो मैंने यहाँ करके दिखाया ना साइड में, ये आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा डेरिवेशन, फ़ायदा नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, है ना, और एल का डिफरेंशियल डी एल, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में तो है नहीं, तो डी एल क्लियर है। अब देखो एक बात है यहाँ पर आप एक बात देख पा रहे हैं, क्यू जे डॉट दिख रहा है, ठीक है, और पी जे दिख रहा है, ठीक है, तो क्यू जे डॉट और पी जे इनका कुछ हमें करना पड़ेगा, तो इसे डाल दो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट देखो मैं पूरा बता दूँ आपको करना क्या है, ध्यान देना, यहाँ से आपने निकाल लिया इक्वेशन फर्स्ट से डी एच, इक्वेशन सेकंड से जो डी एच निकला है ना, अभी उसमें कई चीज़ें अधूरी हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से कम्प्लीटली निकल गया डी एच, इक्वेशन सेकंड से जो डी एच है उसके कई तरीके से है ना, उसमें वैल्यू पुट करके
फाइनली एक डी एच आएगा। तो ये जो इक्वेशन वन का डी एच है और एक जो सबसे लास्ट में डी एच मिलेगा हमें, उन दोनों की कंपेरिजन कर लेंगे और कंपेरिजन करके, कोफिशेंट्स की कंपेरिजन करके जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही इक्वेशंस होंगी हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्लियर है? तो इस तरीके से है ना, तो ये जो डी एच है ये भी कम्प्लीटली नहीं आया, ये अपने आप में कम्प्लीट है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ये पी जे है और ये क्यू जे डॉट है, तो इनकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और साथ में जो डी एल आपको दिख रहा है इसका भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डी एल, देखो एक और विशेष बात, डी एच की वैल्यू तब तक नहीं निकलेगी जब तक डी एल नहीं निकलेगा, है ना। तो इसे इक्वेशन क्यों डाला है मैंने, इसलिए डाला है ताकि मैं डी एल और इन सब का कुछ कर सकूँ, है ना। तो पहले डी एल देख लेते हैं। तो आपको क्या निकालनी है, सबसे पहले डी एल की वैल्यू, है ना। तो मैं लिख देता हूँ टू फाइंड डी एल, है ना। डी एल को फाइंड करने के लिए किसे यूज, किसे लो, लैग्रेंजियन को, लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम, सिस्टम के लैग्रेंजियन को लो। और लैग्रेंजियन होता क्या है, तो लैग्रेंजियन तो आपको पता है एल क्यू जे। ठीक है, क्यू जे क्या है, यहाँ तो आपको बताया ना क्यू जे क्या था, तो यहाँ भी वही है, क्यू जे है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ था क्यू जे डॉट और यहाँ था टी। तो बाहर करके लिख दूँ, क्यू जे है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, क्यू जे डॉट है जनरलाइज्ड वेलोसिटीज, और टी क्या है, टाइम। इसी प्रकार देखो डी एल चाहिए तो एल की हेल्प से डी एल निकाल लो, जैसे एच की हेल्प से डी एच निकालना, तो क्या आएगा डी एल बराबर, मतलब बोलो क्या आएगा, जैसे यहाँ सिग्मा लगा था ऐसे यहाँ सिग्मा लगेगा, तो सिग्मा जे बराबर है वन से लेकर एन तक, ठीक है, डेल एल ओवर डेल क्यू जे और इंटू में डी क्यू जे। ठीक है, ऐसे ही तो है, बस यहाँ एच है यहाँ एल है, प्लस दूसरे के लिए करो सिग्मा तो लगेगा ही, बताया मैंने क्यों, वन से एन और डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट और इंटू में क्या आएगा डी क्यू जे डॉट। ठीक है, और प्लस टी तो अकेला है, वन से एन तक है ही नहीं टी में, तो डेल एल ओवर डेल टी और इंटू में डी टी। ठीक है जी, आप देखना विशेष बात, डी एल निकालना था हमें तो इसलिए एल को लिया, तो डी एल निकल गया, ठीक बात है। लेकिन डी एल अभी नहीं निकला, डी एल तब निकलेगा जब आप डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू निकाल दो और डेल एल ओवर डेल क्यू जे की वैल्यू निकाल दो, इन दोनों की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, तब डी एल निकलेगा। फिर जो डी एल निकला है उसे यहाँ रख देंगे तो एक नई इक्वेशन बनेगी डी एच की, तो डी एच की वो फाइनल इक्वेशन होगी। तो जो डी एच की फाइनल इक्वेशन है वो, और ये जो डी एच की पहले इक्वेशन है ये, इन दोनों की कंपेरिजन कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आपकी हैमिल्टन की इक्वेशन आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझो बस, फिर तो बीच की चीज़ें हो ही जाएंगी। तो समझ गए, डी एल निकालना था, डी एल निकाल दिया है, लेकिन इस डी एल तब निकलेगा जब इसकी और इसकी वैल्यू निकल जाए ना, तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो देखो इसकी वैल्यू तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने निकाली थी अभी फर्स्ट इससे सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, याद रखियो ये आगे काम आएगी। डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर है पी जे, इक्वेशन सिक्स थी उस डेरिवेशन में, जो डेरिवेशन था फंक्शन वाला, है ना, हैमिल्टोनियन फंक्शन वाला। तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट क्या था, पी जे, तो डायरेक्ट लिख दूँगा ऐसे में इसे, और साथ में बस इसकी वैल्यू निकाल लो। तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे आप निकाल लो, है ना। तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे यदि निकल गया तो फिर वैल्यू निकल जाएगी। तो एक काम कर लो, लैग्रेंज की इक्वेशन की हेल्प ले लो, है ना, सबसे पहले यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, तो लिख लो, चलो, है ना, क्या लिखोगे, इक्वेशन वन की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इधर लिख देता हूँ, चलो, है ना, थोड़ी सी जगह में, तब रफ करेंगे। देखो मैंने कहा इक्वेशन फर्स्ट की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक बात है, और हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, क्योंकि इसकी तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट पी जे के बराबर है ही, मैंने बताया, तो इसकी निकालो। इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो मैं लिख देता हूँ टू फाइंड, है ना, आपको फाइंड करनी है टू फाइंड द वैल्यू, वैल्यू और किसकी, तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे की। तो पता है क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लैग्रेंज की इक्वेशन को हेल्प लेनी पड़ेगी, ना, तो फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंज के इक्वेशन की हेल्प ले लो, और बताओ क्या होती है, डेल ओवर डेल टी, डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू जे और बराबर जीरो, यही तो होती है लैग्रेंज की इक्वेशन। इसकी वैल्यू निकालनी है डेल एल ओवर डेल क्यू जे, तो निकल जाएगा,
इसे इधर ले जाओ बस, तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे ये वाली वैल्यू क्या आएगी, यही तो आएगी बराबर उधर जाएगी, तो डेल ओवर डेल टी डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट, ठीक है ये आ गई है ना। और डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट ये आपको पता है क्या होता है, ये होता है पी जे, क्या होता है मैं बता दूं आपको, डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट ये मैंने बताया था पी जे होता है, अभी तो बताया, तो आप यहाँ पे पी जे रख दो तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे बराबर हो जाएगा डेल पी जे अपॉन डेल टी, है ना, इसके स्थान पर क्या रख दिया पी जे, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। ठीक है जी, चलो इसके बाद देखो डेल एल ओवर डेल क्यू जे, देखो पी जे है टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो रहा है तो पी जे डॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी जे डॉट, तो देखो मुझे इसकी वैल्यू तो निकालनी थी डेल एल ओवर डेल क्यू जे की, तो निकाल तो दी पी जे डॉट और साथ में इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही है, तो एंड करके लिख दूँ मैं एंड डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है अभी तो यूज की यहाँ पे क्या होती है पी जे, तो देखो डी एल तब निकलना था जब इसकी वैल्यू निकल जाती और इसकी निकल जाती और दोनों की निकल तो गई, तो ये दोनों वैल्यू कहाँ रख दूँ डी एल में, यानी इसमें रखनी है, तो इसका मतलब इसे इक्वेशन डाल दो इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन थ्री में रख दो, तो ये दोनों वैल्यू कहाँ रखनी है पुट इन इक्वेशन थ्री, ठीक है अब एक स्क्रीनशॉट ले लो, थर्ड इम्प्लाइज कर देते हैं बस, अब तो थ्री में रखते हैं ना, तो थ्री में रखने के लिए क्या करूं कहां से रफ करूं, इक्वेशन वन की जरूरत पड़ेगी ना, स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने, चलो टू की जरूरत नहीं है, नहीं टू की भी है जरूरत, ठीक है तो चलो इधर से रफ कर देता हूँ, तो साथ साथ नोट करते चला करो, है ना रफली तभी अच्छा रहता है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे स्क्रीनशॉट में समझ नहीं आएगा। मैंने कहा ये दोनों वैल्यू मुझे कहाँ रखनी है थर्ड में, तो मैं एक काम करता हूँ थर्ड इम्प्लाइज यहाँ पे कर देता हूँ, देखना डी एल बराबर है आपका सिग्मा जे बराबर वन से लेकर एन तक डेल एल ओवर डेल क्यू जे और इनटू में है डी क्यू जे, ठीक है नहीं गलती कर दी, डेल एल ओवर डेल क्यू जे की वैल्यू तो रख दूँ, तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे की वैल्यू ये रही पी जे डॉट, तो इसकी वैल्यू को रख दूँ पी जे डॉट और इनटू में क्या है डी क्यू जे, ठीक है प्लस सिग्मा जे बराबर है वन से लेकर एन तक डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू रखो पी जे, तो यहाँ क्या आएगा पी जे और यहाँ क्या आएगा डी क्यू जे डॉट प्लस डेल एल ओवर डेल टी और इनटू में डी टी, कोई दिक्कत, तो ये जो वैल्यू थी मैंने थर्ड में रख दी है ना, थर्ड में क्यों रखी क्योंकि मुझे डी एल चाहिए था सही तरीके से, अब डी एल निकल गया, डी एल क्यों चाहिए था क्योंकि यहाँ पे डी एल की आवश्यकता थी सेकंड में, तो इसलिए अब जो डी एल की वैल्यू आई है वो कहाँ रख दो सेकंड में, तो इसके आगे लिख दो पुट इन सेकंड, ठीक है ठीक है, तो अब मुझे थर्ड की भी आवश्यकता नहीं है, अब मुझे सेकंड में रख देनी है वैल्यू, तो सेकंड इम्प्लाइज कर रहा हूँ, तो डी एच बराबर है सिग्मा जे बराबर वन से एन क्यू जे डॉट डी पी जे, हाँ ठीक है ये तो ऐसे लिखना है, और प्लस ये भी सेम है जे बराबर वन से एन पी जे और ये डी क्यू जे डॉट, हाँ डी एल की वैल्यू रखनी है माइनस में करके, तो माइनस डी एल की वैल्यू तो ये है लंबी चौड़ी, तो इसे हम बड़े ब्रैकेट में लिख लो जे बराबर वन से एन पी जे डॉट डी क्यू जे, ठीक है प्लस सिग्मा जे बराबर है वन से लेकर एन तक पी जे और डी क्यू जे डॉट प्लस डेल एल ओवर डेल टी इंटू में है डी टी, ठीक है जी क्लियर, तो ये सेकंड इम्प्लाइज मैंने कर दिया है तो मैं सेकंड को भी रफ कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ से देख लो इसकी तो जरूरत पड़नी है मुझे, देखो इसके बाद यहाँ डी एच बराबर,
आप खुद देखो एक कोई सा कटेगा पी जे डॉट है ना, पी जे क्यू जे डॉट, देखो ये वाला कट जाएगा भाई, ये वाला और ये वाला सेम है ना, पी जे पी जे, डी क्यू जे डॉट डी क्यू जे डॉट, तो ये वाला प्लस का है और ये अंदर माइनस जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो काट के दिखाना नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना, तो जो जो बच रहा है वो लिख दो। तो जे बराबर है वन से लेकर एन तक, क्यू जे डॉट है और ये डी पी जे, ठीक है, ये तो कट गया, ये बचा माइनस का, ठीक है, कैसा बचा माइनस का, इसे भी लिख लो, जे बराबर है वन से लेकर एन तक, पी जे डॉट है और डी क्यू जे है, और वो बचा, वो भी माइनस का बचेगा, तो डेल एल ओवर डेल टी इंटू डी टी, ठीक है जी, ये बच जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, कोई तीन तक हो गई थी, फोर है ये, ठीक है। तो मैंने कहा था जो लास्ट में डी एच की वैल्यू आए, मतलब डी एच की क्वेश्चन आए, उसकी और पहले वाली की कंपैरिजन कर देनी है, तो अब तो कुछ नहीं करना, इनकी कंपैरिजन कर दो। तो ऑन कंपेयरिंग है ना, क्या कंपेयर कर दो, कोफिशेंट्स की, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स, यानी कि क्या बोलते हैं, गुणांक कोफिशेंट्स है ना, किसके कोफिशेंट्स, तो ये इनके, देखो यहाँ डी पी जे है, यहाँ भी डी पी जे है, यहाँ डी क्यू जे है, यहाँ भी डी क्यू जे है, यहाँ डी टी है, यहाँ भी डी टी है, तो इनको इनके कोफिशेंट्स के कंपैरिजन करनी है, इनकी गुना में जो है इनके गुणांकों की तुलना करनी है। तो कोफिशेंट्स ऑफ डी पी जे है ना, डी क्यू जे, डी पी जे के, डी क्यू जे और डी टी एंड डी टी, इनके गुणांकों की तुलना करो, ठीक है, और किस में करो, तो इन इक्वेशंस वन और थ्री, वो फोर, वन और फोर में। तो अब देख लो, पहले डी पी जे कहा, तो डी पी जे की गुणा में यहाँ देखो क्या है, ये सिग्मा वाली टर्म तो दोनों की कैंसिल हो जाएगी, तो इधर है डेल एच ओवर डेल पी जे, ठीक है, डी पी जे में, डी पी जे की गुणा में, और यहाँ देखो डी पी जे की गुणा में क्या है, ये रहा क्यू जे डॉट, सिग्मा तो कट ही जाएगा, क्यू जे डॉट। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है, इक्वेशन नंबर पाँच मान लो। फिर डी क्यू जे डॉट के देखो गुना में क्या है, डी क्यू जे है, डॉट नहीं है, डी क्यू जे डॉट नहीं है, तो डी क्यू जे की गुना में देखो क्या है, यहाँ है डेल एच ओवर डेल टी डी क्यू जे की गुना में, और यहाँ डी क्यू जे की गुना में क्या है, पी जे, क्या है, पी जे, लेकिन बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस का पी जे। एक इक्वेशन ये आ जाती है, और एक और आएगी डी टी की मल्टीपल, वो डी टी के कॉम में देखो कौन क्या बोलेंगे, कॉम्फिशेंट्स, डेल एच ओवर डेल टी बराबर है माइनस का डेल एल ओवर डेल टी, इक्वेशन नंबर सेवन, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो आई हैं आपके सामने, देखो ये पाँचवीं और छठी, यही इक्वेशंस कहलाती है हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, डेल एच ओवर डेल पी जे क्या होता है, क्यू जे डॉट, ठीक है, और डेल एच ओवर डेल टी क्या है, ठीक, गलत हो गया भाई, डी पी जे, यहाँ टी नहीं है, दोबारा कंपैरिजन करो, डी पी जे की कंपैरिजन में देखो, यहाँ डेल एच ओवर डेल डी पी जे की मल्टीप्लाई में क्या था, डेल एच ओवर डेल पी जे, ठीक है बिल्कुल, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में क्या था, क्यू जे डॉट, ठीक है बिल्कुल, उधर देखो अभी देखो डी क्यू जे की मल्टीप्लाई में डेल एच ओवर डेल क्यू जे है ये, ठीक है, और यहाँ देख लो पी जे डॉट, लेकिन माइनस के साथ, तो ये क्यू जे था, ठीक है, ध्यान रखना करते हुए ना। तो ये जो इक्वेशन फाइव है ये मैंने बता दिया आपको, इक्वेशन सिक्स क्या है, डेल एच ओवर डेल क्यू जे बराबर है माइनस का पी जे, है ना, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है पांचवी और छठी, ये कहलाती है हैमिल्टन की इक्वेशन, क्लियर है, क्लियर है, तो ये पूरा होता है। और हाँ, इस इक्वेशन के बारे में भी बता दूँ, सातवीं इक्वेशन आपको दिख रही है, ये इक्वेशन तो पहले ही वाली है ना, अभी आई थी, कहाँ, जब मैंने डेरिवेशन कराया था है ना उसका, हैमिल्टोनियन फंक्शन का, तो ये तो कुछ नहीं है, तो रिलेशन है, लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन में रिलेशन देती है, तो इसके नीचे लिख दियो
इक्वेशन 7 इज द रिलेशन बिटवीन लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन, इसके नीचे ही लिख देना। और इक्वेशन 5 और 6 क्या है, तो इक्वेशन 5 एंड 6 आर द हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।